हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ऑनलाइन ट्यूशन हिंदी में आपका स्वागत है। और वेपैक्ट वेबसाइट बनाने की सीरीज में हम आज सीखेंगे कैसे हम अपनी वेपैक्ट वेबसाइट में फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा यूज़र ने कमेंट किया है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर कैसे बनाएं, अगर बनाते हैं तो वो शो नहीं करते। तो रियली में ये फोल्डर शो नहीं करेंगे। अगर आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाएंगे तो शो नहीं करेंगे। अगर शो करवाने के लिए ये कोड है, अगर वो कोड आप वहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये भी फोल्डर भी वहाँ पे टोटल फोल्डर उसके अंदर शो हो जाते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप इससे फोल्डर में फोल्डर बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फोल्डर बनाने का तरीका क्या है। तो इधर हमने अपनी वेबसाइट को पैनल मोड में ओपन कर रखा है। अपनी साइट को इस तरह से आप पैनल मोड में ओपन करिए। तो यहाँ पे हम पैनल ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे मैनेज के अंदर फाइल मैनेजर। इसको हम राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमने फाइल मैनेजर अपना और न्यू टैब में ओपन कर लिया। और एक ऑप्शन है पेज का, यानी यह पेज को हम फिर से न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। एक ये हमने ओपन कर लिया कुछ टैब, और इधर व्यू पे हम क्लिक करते हैं। तो आप देखिए इधर मेरे कुछ फोल्डर बने हुए हैं। फर्स्ट पे बना हुआ बॉलीवुड सॉन्ग। तो मैं आपको इस पे कुछ काम करके दिखाता हूँ। तो मैंने जैसे कि फाइल मैनेजर को इधर ओपन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ बॉलीवुड सॉन्ग्स। बॉलीवुड सॉन्ग्स के अंदर मैं कुछ फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पे मैं बना देता हूँ 2015 बॉलीवुड सॉन्ग। फिर से मैं यानी कि मुझे फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है, तो मुझे बनाना है बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर। तो मैंने एक फोल्डर बना दिया। फिर से एक बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर मैं फोल्डर बना देता हूँ 2016 बॉलीवुड सॉन्ग। तो इस तरह से फिर से एक और मैं बना देता हूँ। तो इधर बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर मैं फिर से एक फोल्डर बना देता हूँ। तो एक फोल्डर बना देता हूँ मैं 2017। तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर ये फोल्डर बना दिए हैं 2016-2017। तो इस तरह से आप ये फोल्डर यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए कैसे अब हमें इधर वेबसाइट में शो करवाना है। देखिए यहाँ पे मैंने वेबसाइट को ओपन कर रखा है। यहाँ पे जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट को, बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर मैंने फोल्डर बनाया। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोल्डर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो इधर हमने वेबसाइट को ओपन कर रखा है। वेबसाइट को हमने होम पेज पर ओपन कर रखा है पैनल मोड में। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आइटम। आइटम पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा जो फोल्डर का कोड है, यानी कि होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पर चलने के यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कैटेगरी के नीचे हमारा जो फोल्डर का कोड है हमें ये देखना है। तो हमें यहाँ पर कोड शो हो रहा है सिलेक्ट कैटेगरीज। तो ये कोड हमें यहाँ पर इसके नीचे ये फोल्डर वाला कोड है। तो हमें यहाँ पे सेम टू सेम इसी तरह के फोल्डर बनाने हैं अपनी साइट के लिए। तो इसी तरह से हमें अपने यहाँ से कोड उठाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एक डिव क्लास H3 यहाँ पे मेरी लगी हुई है। आपकी जो क्लास हो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। जैसा भी आपका कोड है आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, जो कि मेरा है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने सेम इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद मुझे करना क्या है, तो मैं एक टैग कोड यहाँ से ले लेता हूँ और इसको यहाँ से गो पे क्लिक कर देता हूँ। गो पे क्लिक करने के बाद मैंने जो कोड कॉपी किया इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए href site3 _ ये है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से href मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमें एक लिंक लगाना है, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। और इधर यहाँ पर हमने नेम है, नेम शो करवा रहे हैं फोल्डर का, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। काउंट है, काउंट में यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया। इस तरह से आप जो भी यहाँ पे फाइलें आपको शो हो रही हैं वो आप यहाँ से इनको रिमूव कर दीजिए। तो अब यहाँ से हम इसके अंदर यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम लिख देते हैं कि हमें किस नाम का फोल्डर बनाना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बॉलीवुड सॉन्ग्स। हमने यहाँ पे लिख दिया बॉलीवुड सॉन्ग्स। अब हम इसको अभी हमने यहाँ पर लिंक नहीं लगाया, हमें यहाँ पे एक लिंक लगाना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसको पोजीशन हमें सेट करनी है, कहाँ पे आपको सेट करनी है। अगर सिलेक्ट कैटेगरी के अंदर चाहिए, नीचे चाहिए,
या फोल्डर से ऊपर चाहिए या फोल्डर के नीचे चाहिए। तो मैं अभी इसको फिलहाल सिलेक्ट कैटेगरी के नीचे इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ पे इसको लगा दिया। अब मैं अपनी साइट को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देख रहे हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स, और इसके ऊपर एक और फोल्डर लग जाएगा बॉलीवुड सॉन्ग्स। तो देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार का यहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग का हमारा फोल्डर बन चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी इसी साइट पर रहेगा, क्योंकि अभी हमने इस पर कुछ लिंक नहीं लगाया है। तो अब इसके लिए हमें करना क्या है, तो देखिए मैंने इधर ये ओपन किया है क्रिएट पेज, हमें एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो पेज का नाम मैं रख देता हूँ बॉलीवुड सॉन्ग्स। बॉलीवुड सॉन्ग के नाम का मैंने यहाँ पे एक पेज बना दिया। और पेज बनाने के बाद देखिए आप यहाँ पे पेज की लिस्ट है, तो आपको यहाँ पे पेज की आईडी और नेम वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका लिंक है साइट डैश बॉलीवुड डैश सॉन्ग्स डॉट html। तो इसकी साइट का आईडी है 6। तो इसका लिंक कैसे लगाना है देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड पेस्ट किया था फोल्डर के नीचे, सिलेक्ट कैटेगरी के नीचे यानी फोल्डर के ऊपर, तो ये वाला कोड यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से एडिट करता हूँ। तो एडिट करने के बाद जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया है कि मैंने अभी यहाँ पे कोई लिंक नहीं लगाया है, सिर्फ हैशटैग था। अब मैं यहाँ पे अपनी साइट का लिंक यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, तो ये हमारी साइट का होता है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको ये मैं साइट डैश बॉलीवुड डैश सॉन्ग्स डॉट html, तो मैं ये लिंक भी लगा सकता हूँ। तो आप चाहें तो ये लगा सकते हैं। जो अगर आपको साइट का लिंक नहीं लगाना आता तो आपको यहाँ पे सिंपली देख लीजिए कि जो आपने पेज बनाया तो उसकी आईडी क्या है। तो आईडी इक्वल टू 6, तो इसकी आईडी 6 है। तो मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा साइट डैश 6। तो अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिंक सेट कर दिया, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के बाद फिर से मैं अपनी साइट को रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं देखूँगा बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर जो साइट, सॉरी फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गया है, उसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भूल गया था साइट डैश 36 डॉट html, हमें ये यहाँ पे इतना लिंक देना पड़ता है। साइट यानी कि मेरे पेज का जो आईडी है 6, मुझे इस साइट पे जाना है तो डॉट html भी हमें लगाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिंक सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद अब देखिए मेरी बॉलीवुड सॉन्ग्स की जो कैटेगरी मैंने यहाँ पे बनाई है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखिए मैं इधर अपने इस पेज पर आ गया। ये पेज बिल्कुल एम्प्टी है। अब इस पेज पर हमें वर्क करना है, इस पर हमें फोल्डर दिखाने हैं फिर जो हमने अभी इसके अंदर बनाए हैं। तो बना फोल्डर दिखाने के लिए देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी साइट को यहाँ पे व्यू पे कर लेता हूँ। तो जैसे व्यू पे मैंने किया तो बॉलीवुड सॉन्ग्स की फोल्डर के यहाँ पे जो हमारी कैटेगरी है, मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये पैनल मोड में हमारी ओपन हो रही है। अब हमें यहाँ से करना क्या है, अब हमको फिर से आइटम पे क्लिक करना है। आइटम पे क्लिक करने के बाद कोई भी आइटम इसके अंदर नहीं है, तो हमें करना है html स्लैश टैग कोड। तो स्लैश टैग कोड को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। तो जो कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया है वो कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सेम टू सेम जो फोल्डर वाला हमारा कोड है वो कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और कोड से पहले मैं एक क्लास लगा देता हूँ h2 अलाइन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा सेंटर, और यहाँ पे मैं उस कैटेगरी का नाम लिख देता हूँ जिस कैटेगरी पे हमने क्लिक करके यहाँ तक आए थे। तो हम क्लिक करके आए थे बॉलीवुड सॉन्ग्स, h2 को क्लोज किया। अब जो हमने फोल्डर का कैटेगरी का कोड है, फोल्डर का कोड हमने अब पेस्ट किया है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी है। तो साइट आईडी 3 रहेगी इसकी, इसको चेंजिंग नहीं करना है, डॉट html आपको चेंज नहीं करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं fid परसेंटेज आईडी, इसके अंदर आपको उस फोल्डर की आईडी को लाना है जो फोल्डर आपने फाइल मैनेजर में क्रिएट किया है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। तो हमने सबसे पहले क्रिएट किया था 2015 बॉलीवुड सॉन्ग, तो जिसकी आईडी है d=8। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं fid इक्वल टू के आगे हमें लिख देना है यहाँ पे 8। हम अपनी साइट को 8 पर मूव करना चाहते हैं। और एंड डैश कैटेगरी नेम, यहाँ पे आप देख रहे हैं परसेंटेज नेम, तो आप यहाँ पे नेम चाहें जो भी डाल सकते हैं। तो हमारी इसका कैटेगरी का नेम है 2015 बॉलीवुड सॉन्ग, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ
2015 बॉलीवुड सॉन्ग, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2015 बॉलीवुड सॉन्ग और कैटेगरी दे दी मैंने 8। तो अब देखिए मैं इसको यहाँ से काउंट वगैरह है, आप यहाँ से चाहें तो इसको रख सकते हैं वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। ये नेम है, नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर जाएगा, कोई बात नहीं। अब हमें टॉप पे इसकी पोजीशन रखनी है तो टॉप पे रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ओके क्लिक कर देते हैं। सॉरी इसमें फ्रेंड हम कुछ प्रॉब्लम कर चुके हैं, प्रॉब्लम ये कर चुके हैं क्योंकि उसके लिए हमें कोड को FM वगैरह में पेस्ट करना पड़ता है, तो हमें यहाँ से ये नेम परसेंटेज नेम है इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव किया हमने, अपने नाम यहाँ पे मैन्युअली डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 2015 बॉलीवुड सॉन्ग यहाँ पे मैंने डाल दिया मैन्युअली, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के बाद अब मैं अपनी साइट को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा मेरा जो पेज क्रिएट किया मैंने, इसके अंदर 2015 बॉलीवुड सॉन्ग का फोल्डर लगाया वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ बॉलीवुड सॉन्ग, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई फाइल अपलोड नहीं है। तो मैं बैक चलता हूँ, बैक चलने के बाद जो भी मैंने कोड यहाँ पे ऐड किया है इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद अब सिंपली मैं इस वाले कोड को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद फिर से मैं इसके नीचे ये वाला कोड फिर से मैं पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करने के बाद मुझे फिर से फोल्डर बाई फोल्डर दिखाने हैं। तो मैंने दो और फोल्डर क्रिएट किए थे इसमें, तो जो कि है 2016 बॉलीवुड सॉन्ग जिसकी आईडी है D=9। तो हम सेम इसी तरह से यहाँ पर टाइप कर देंगे जहाँ पर हमने FID=, नेम टाइप किया है, और यहाँ पे 2015 की जगह हमें 16 टाइप कर देना है, 2016 बॉलीवुड सॉन्ग जो अपने नाम यहाँ पे टाइप किया है इसमें भी हम चेंजिंग कर देंगे। और सिंपली इसके नीचे फिर से मैं एक और ये तीन फोल्डर मैंने बनाए, तो इसके लिए हमें यहाँ से ये वाला कोड फिर से लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब फिर से हमें FID=, जो कि 2017 की है, FID=10 है, तो हमें FID=10 डाल देना है। यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, और यहाँ पे 2017 बॉलीवुड सॉन्ग, यहाँ पे भी 2017 बॉलीवुड सॉन्ग, और इसको मैंने एडिट कर दिया। एडिट करने के बाद अब देखिएगा मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो जो मैंने फोल्डर यहाँ पे बनाए सेम इसी तरह से मेरे तीन फोल्डर यहाँ पे बन चुके हैं। अब मान लीजिए मुझे 2017 के बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर कुछ और फोल्डर दिखाने हैं, ना कि ये मुझे यहाँ पे दिखाना है, मुझे कुछ और फोल्डर फाइल मैनेजर में बनाने हैं इसके अंदर, जैसे कि फिल्म वगैरह मुझे यहाँ पे बनाने, तो वो भी आप कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हमें करना है, यहाँ पे पेज है तो हमें पेज पर क्लिक करना है, तो हमें फिर से एक और न्यू पेज बनाना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे पेज बनाएंगे। तो हम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हम इसमें नंबर से पेज नहीं बना सकते। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 2017 बॉलीवुड सॉन्ग का मैं पेज बनाऊंगा, तो यहाँ पे इनवैलिड नेम ओनली A to Z, आप नाम टाइप कर सकते हैं, नंबर आप इसमें टाइप नहीं कर सकते। अगर होता तो और अच्छा होता, लेकिन हमें कोई नाम ही यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉलीवुड सॉन्ग्स के नाम का मैं यहाँ पे एक पेज बना देता हूँ। तो मेरा जो यहाँ पे देख सकते हैं FID=6 इसकी आईडी बन चुकी है, जैसे कि पहले मैंने बनाया था 6 का, और यहाँ पे अब 7 का बन चुका है मेरा बॉलीवुड सॉन्ग्स .html। तो एक पेज हमारे यहाँ पे बन चुका है। चलिए कैसे करना है अब देखिए फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर के अंदर मैं जाता हूँ 2017 के अंदर, 2017 के बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर मुझे फोल्डर बना ले देने, तो फोल्डर बनाने मुझे मैं बना देता हूँ कुछ फिल्मों के नाम बना देता हूँ, जैसे कि मैंने बनाए हैं हाफ गर्लफ्रेंड, एक फोल्डर मैंने बना दिया। फिर 2017 के अंदर जाऊँगा, फिर से फोल्डर बना दूँगा, फिर से मैं इधर बना दूँगा दंगल बना देता हूँ एक, फिर से 2017 के अंदर, फिर से न्यू फोल्डर, फिर से बैंक चोर का बना देते हैं, फिर से 2017 के अंदर जाऊंगा, फिर से एक फोल्डर बना देता हूँ, इस बार ट्यूबलाइट का बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिर से मैंने 2017 बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर मैंने चार फोल्डर यहाँ पे बना दिए हैं, और इनकी आप आईडी नोट कर लीजिए, हर फोल्डर की आईडी अलग होगी, चाहे वो फोल्डर के अंदर बनाएं चाहे फोल्डर में, आप यहीं पे बनाएं कहीं पे बनाएं, हर फोल्डर की आईडी अलग होगी।
तो आप इनकी आईडी को याद रखिएगा। आप देखिएगा, हमने पेज बना दिया है एक बॉलीवुड सॉन्ग जिसकी आईडी है 6, और हमें यहाँ पे क्लिक करना है, जो कि हमने इस पेज के अंदर 6 के अंदर हमने फोल्डर जो शो करवाया ये कोड है, हमें यहाँ पे एडिट करना है। एडिट करने के बाद जो हमने यहाँ पे कोड लगाया है 2017 बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो हमें इसका जो लिंक है यूआरएल है यहाँ से ये वाला इतना site-3.html, यहाँ से href वगैरह लगा हुआ है, इसको हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद स्लैश लगाऊंगा, स्लैश लगाने के बाद साइट डैश जो कि हमारी पेज की आईडी है बॉलीवुड सॉन्ग आईडी बराबर 6, तो हमें उसकी आईडी यहाँ पे डाल देनी है id6.html। तो लिंक यहाँ पे लग चुका है, नेम सेम ही रहेगा 2017 बॉलीवुड सॉन्ग। तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ। एडिट किया, एडिट करने के बाद अब मैं फिर से इस कोड को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो मैंने यहाँ पे H2 की क्लास यहाँ पे मैंने लगाई है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और एक फोल्डर वाला जो कोड है इसको मैं यहाँ से इतना कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं इधर एडिट करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, बैक चलता हूँ। तो बैक चलने के बाद 2015 के अंदर, 2016 के अंदर नहीं हमने बनाया, हमने बनाया 2017 के अंदर, 2017 बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर हमने फिर 4 फोल्डर बनाए, जो कि आपको यहाँ पे ये फिर से पेज सेम वही इसी तरह से आपको एम्प्टी शो हो रहा है। तो अब हमें इसके अंदर काम करना है, तो चलिए कैसे करते हैं। अब हम यहाँ से अपनी साइट को व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हमें पैनल मोड में फोल्डर शो हो रहे हैं, तो हमें क्लिक करना है 2017 बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर। तो अब हमें इस तरह से यहाँ पे भी शो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे इसको मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए हमें करना क्या है, इधर ड्रॉप डाउन मेन्यू और HTML/टैग कोड को हमें यहाँ से क्लिक करना है। गो पे क्लिक किया, जो कोड मैंने अभी कॉपी किया था उसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो H2 की क्लास लगी हुई है यहाँ पे मैं चेंज करके इसको डाल देता हूँ 2017 बॉलीवुड सॉन्ग, क्योंकि हम इस फोल्डर के अंदर हमें जाना है। अब यहाँ पे देखिए href id6 है, 3 यानी कि href id3 है, जो कि हमें फाइल शो करवाने की आईडी है ये यहाँ पे वाली। तो हमें यहाँ पे href के आगे इसी तरह से सेम जैसे हमने पहले किया था इसी तरह से हमें यहाँ पे करना है, fid बराबर 8। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पेज, तो हमें यहाँ पे देखना है इसके अंदर जो हमने नहीं फाइल मैनेजर के हमने जाना है, फाइल मैनेजर के हमने 2017 के अंदर फोल्डर बनाए हैं, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले जिस फोल्डर को दिखाना है वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ 11 वाले फोल्डर को, हाफ गर्लफ्रेंड का फोल्डर मैं दिखाता हूँ जिसकी आईडी है 11। तो मैं यहाँ पे 8 की जगह यहाँ पे कोड है यहाँ पे मैं 11 डाल देता हूँ। फोल्डर की आईडी का नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, हाफ गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, और यहाँ पे 2015 जो लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे उसी फोल्डर का नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से ये टाइप कर दिया, और इधर से फिर से मैं जो कोड कॉपी किया है इस वाले कोड को मैं यहाँ से चलिए फिर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, फिर से इसके नीचे मैं ये कोड पेस्ट कर देता हूँ। 4 बार मुझे ये कोड पेस्ट करना है, क्योंकि मैंने इसके अंदर 4 फोल्डर बनाए हैं, तो 4 फोल्डर मुझे शो करवाना है। जितने फोल्डर आप बनाएंगे, जितने फोल्डर आपको शो करवाने हैं, उतनी बार ये आपको कोड पेस्ट करना है। तो मैंने फर्स्ट वाला तो सेट कर दिया, मुझे सेकंड वाला सेट करना है, जो कि जिसकी आईडी है 12, जिसका नाम है दंगल। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाले लिंक को डाल देता हूँ 12 की आईडी, और यहाँ पे नेम है, नेम में डाल देता हूँ दंगल। दंगल मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे हाफ गर्लफ्रेंड मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा दंगल। तो इस तरह से अब हमें फिर से तीसरी वाली आईडी को लाना है, जिसकी आईडी है 3 यानी कि 13, बैंक जो। तो मैं यहाँ पे तीसरे वाले पे फिर से डाल दूंगा 13। नेम है जो हमारा नेम है, नेम को मैं ऐसे चेंज करूंगा, और मैं डाल दूंगा फोल्डर का नेम बैंक जो। और यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड के अंदर यहाँ पे भी हमें चेंज करना है, यानी कि एक कोड के अंदर हमें 3 जगह पे ये
चेंजिंग करनी है। अब फोर्थ वाला जो हमने फोर्थ कोड लगाया है वो लगाया है ट्यूबलाइट का, जिसकी आईडी है 14। तो यहाँ पे डाल देते हैं आईडी एफआईडी बराबर 14, और यहाँ पे डाल देते हैं ट्यूबलाइट, और यहाँ पे भी इसका नेम हम चेंज कर देते हैं ट्यूबलाइट। अब देखिए मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, यानी कि इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखिएगा मैं बैक चलता हूँ अपनी साइट पे। बैक चलने के बाद यहाँ पे देखिए आप 2017 के बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर हमने जो पेज बनाया था, 7 नंबर का पेज बनाया था हमने, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें उस पर लेकर जाएगा। जो उसके अंदर हमने फोल्डर बनाए थे वो हमें आप यहाँ पर शो होने लगे। अब मैं देखिए किसी फोल्डर पर क्लिक कर देता हूँ हाल्फ गर्लफ्रेंड, तो देखिए अभी हमें दिखाएगा नो फाइल, तो इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। तो अब देखिए इस तरह से आप फोल्डर बना सकते हैं। मैं अब आपको शुरू से दिखा देता हूँ होम पेज से। मैं अपनी साइट के होम पेज पर आया, तो मैं होम पेज पर आने के बाद मैंने एक फोल्डर के ऊपर पेज बनाया, पेज का लिंक लगाया बॉलीवुड सॉन्ग्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर मुझे फोल्डर शो हो रहे हैं 3। तो इसके अंदर मैं देखिए ये फोल्डर का कोड है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा नो फाइल। बैक करूँगा, क्लिक करूँगा मैं 2017 बॉलीवुड सॉन्ग के ऊपर, इस पर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर मुझे शो होंगे 4 फोल्डर। तो इधर मैं क्लिक कर देता हूँ ट्यूबलाइट पे, इधर मुझे शो हो रहा है नो फाइल। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीका से ये फोल्डर लगाने का तरीका इसमें बताया है। यही एक तरीका है फोल्डर का, यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर लगाने का और शो करवाने का। अगर आप फोल्डर के अंदर फोल्डर इस तरह से शो करवाएंगे और इस कोड को फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे तो आपके सारे फोल्डर उसमें शो होंगे। तो यही एक तरीका है फोल्डर के अंदर फोल्डर लगाने का। तो इस तरह से आप फोल्डर के अंदर फोल्डर लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह से और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि आप कैसे यूज़र अपलोड का सिस्टम लगा सकते हैं, ताकि यूज़र आपकी साइट में सॉन्ग अपलोड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।